अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास में इन्फिनेटिव्स, जेरंड्स, पार्टिसिपल्स इनको डिस्कस किया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहली वीडियो में बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव्स की। तो बच्चों, इन्फिनेटिव्स की डेफिनेशन क्या होती है इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले, व्हेन वी ऐड टू बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एज इन्फिनेटिव। अगर हम लोग बेस फॉर्म की बात करें तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे ये आपके पास इस लिस्ट में आपको नजर भी आ रही है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हम लोग टू ऐड कर दें तो जो नया कम्बिनेशन बनेगा इसको हम लोग क्या कहते होते हैं, इन्फिनेटिव। तो आप चेक कर सकते हैं कि ईट के साथ टू ईट, ड्रिंक के साथ टू ड्रिंक, इसी तरह स्लीप के साथ टू स्लीप। तो बच्चों, अगेन से हम लोग चेक कर लें, अगर क्या हमने पढ़ा है, व्हेन वी ऐड टू बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। कि अगर आप बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का एडिशन कर देते हो तो आपके पास जो नया आंसर आएगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, इन्फिनेटिव। इसका क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है, जिस तरह हमारे पास एक सेंटेंस है, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। अब अगर टू प्ले को अंडरलाइन किया और आपसे क्वेश्चन नीचे पूछा गया कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारे पास है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि ये क्या है ग्रामेटिकली, तो आपका आंसर बच्चों क्या है होगा कि ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि हमने इन्फिनेटिव के बारे में क्या पढ़ा है कि ये होते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक था जिसको हमने क्लास में कवर किया था।